नमस्कार, आप सभी का मेरी अपनी रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे चटनी, वो भी टमाटर प्याज की। वो हम ऐसे तरीके से बनाएंगे, इससे पहले ना तो आपने खाई होगी ना आपको किसी ने खिलाई होगी। इस चटनी को आप मसाला डोसा, इडली, सांबर वड़ा, पराठा, पूरी, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, ये रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों, फैमिली, रिलेटिव, उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। ये बनाते हैं टमाटर प्याज की कुछ अलग तरीके से चटपटी चटनी। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने रफली 4 टमाटर काट लिए, प्याज काट लिए 4 बराबर मात्रा में, दोनों कड़ी पत्ते लिए हैं, 5 सूखी लाल मिर्च ली हैं, लहसुन की कलियां ली हैं, ये कम से कम 10 से 12 हैं, 1 इंच का टुकड़ा है जो हमने लंबा लंबा काट लिया है, हरे धनिया की पत्तियां हैं, और ये 1 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल। और मसाले में हमें चाहिएगी थोड़ी सी, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, ये साबुत धनिया, राई, नमक, सांभर मसाला और सूखा धनिया का पाउडर। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, इसमें हम ये डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको गर्म होने देते हैं। इसमें डालेंगे हम ये 1/2 चम्मच राई, थोड़ा सा साबुत धनिया, इसमें डालेंगे हम सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, ये लहसुन की कलियां, अदरक, इनको थोड़ा सा भूनेंगे। हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी ना मिर्च की और इसकी कड़ी पत्ते की, थोड़ा सा लहसुन ब्राउन हो जाएगा। फिर हम डालते हैं इसमें रफली चॉप की हुई प्याज, टमाटर और प्याज की मात्रा जो है वो आपको बराबर लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें प्याज को, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें देखो हमारी जो प्याज है वो थोड़ी सी कुक हो गई है, अब हम इसमें डालते हैं ये अपने टमाटर, और साथ ही में डाल देंगे ये हरे धनिए की पत्तियाँ। अब इसमें हम डाल देंगे अपने मसाले, हल्दी थोड़ी कम डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और सूखा धनिया ये 1 बड़ी चम्मच है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है ये मैं कलर के लिए डाल दी, और ये 2 चम्मच है हमारा सांभर मसाला, ये मेन मसाला है हमारी चटनी का, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। और अपनी प्याज को और टमाटर को अच्छे से पकाएंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस टमाटर गल जाएं तब तक। ये देखिए टमाटर हमारे हैं वो गल गए, इनका छिलका अलग होने लग गया है, बस इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। अब हम अपनी फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के देते हैं, और उसके बाद हम इसमें मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। देखिए मैंने मिक्सी में टमाटर प्याज को एक फाइन पेस्ट बना लिया है टमाटर प्याज का, ये चटनी बन गई हमारी। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, पहले इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, ये मैंने अलग बर्तन में निकाल लिए। अब मैं इसका तड़का तैयार करती हूँ।
मैंने इसमें ये एक चम्मच कुकिंग ऑयल डालना है, रिफाइंड है ये। इसमें मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी राई, एक हरी मिर्च जो मैंने तोड़ के डाल ली है, और इसको हम डालते हैं अपनी चटनी के अंदर।